इसका तो शूटिंग हमने नहीं निकाला है क्योंकि ये जिंदा बच्चे का ऐसा मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में ये सांप जिंदा बच गया। और जिनके यहाँ पर ये पकड़ा है उनको भी ताज्जुब होगा क्योंकि ये जो सांप है कुएं में तकरीबन 10 दिन से पड़ा हुआ था, और हमें किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं चाहिए थी, और दर्शकों को भी लगता था कि यार क्या ये सांप की जान जा रही है और इसका ये शूटिंग निकालते बैठा है। लेकिन आप नहीं सोच पाए, मुझे अभी बहुत गलत लग रहा है कि उस वक्त शूटिंग निकालना ज़रूरी था क्योंकि ये सांप जिंदा बचेगा ही नहीं ऐसा लग रहा था, जिसको हिलने को नहीं हो रहा था, आधा घंटा ऐसे ही पड़ा हुआ था। बाद में हमने उसको बैग में ऐसे ही घुसा दिया, ठूस दिया, मतलब ऐसा चलने को हिलने को नहीं हो रहा था, और वही सांप है कि ऐसा पूरा सफ़ेद हुआ था उस वक्त, इतना पानी में भीग गया था। और दूसरी बात, तो एक केंचुली निकालने को आया है, तैर के वो थक गया था, और 8 दिन लगभग बारिश हो रही थी उसका भी तो वो कारण था, और इतना भी वो आकर्षक। इसकी एक खासियत यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये बड़ा है, फुर्तीला सांप है, लेकिन इसका फन बहुत बड़ा नहीं है। प्रशांत जी मैं हाँ, कह रहा हूँ ना, बराबर है, तो फन छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो ये विशेषता इसकी है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये सांप मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि जिंदा बचेगा, और आप नहीं सोच पाते थे, और मुझे अभी ये लग रहा है कि यार हमारे दर्शकों को ये बात मैं शेयर कर पाता कि इतना, मतलब सांप कभी कभी हेल्दी रहता है और कभी कभी उसको कुछ अचानक हो जाता है और वो मर जाते हैं, लेकिन ये मुझे जिंदा नहीं बचेगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ये बच गया। सांपों के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, नेचर उसको किस तरह से सपोर्ट करता है, क्या करता है, लेकिन ये बच गया, सच है, बहुत ही सुंदर। मेरे ख्याल से काफ़ी देर तक बैठे रह सकता है, और देखिए फन तो इतना छोटा है कि लगभग 2-3 साल के सांप, 2-3 फीट लंबा सांप रहता है, उसका फन ऐसा दिखा देता है। अभी भी थोड़ा सा थका हुआ वो महसूस कर रहा है या मुझे लग रहा है, लेकिन पहले से बहुत बेटर है, और लग भी नहीं रहा था ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये बच गया है। उसका हमने शूटिंग भी निकालना नहीं है क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा ही करते रहेंगे तो ऐसा ही बेटर रहेगा। उसको अब हम जंगल की ओर छोड़ते हैं। ये देखिए किस तरह की हरकत करता है, इधर जाओ यार। ताकत उसको कम हो चुकी है, अटैक करने के मूड में, हाँ गुस्सेला है, ताकत कम है, लेकिन ये देखिए पूरा पानी में वो को प्रॉब्लम आ चुका है, सरकने में ज़रा परेशानी है। ताकत काटने के लिए लगा रहा है, उसको थोड़ी धूप की बहुत ज़रूरत है, दवाई से भी ज़्यादा, सलाइन की तौर पर वो काम करेगी। थोड़ा धूप ले लेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात है कि धूप हो रही है, नहीं तो बारिश में अभी उसको मुश्किल आ सकती थी। फिलहाल नेचर उसे संभालेगा, कुदरत के हवाले किया है, हाँ। उम्मीद है ये इससे भी अच्छा हो जाएगा, और जो पहले देखा था उससे बहुत बढ़िया है, तो मुझे थोड़ा सा नरम है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं मुझे नहीं लग रहा था कि ये बचेगा। गुड बाय दोस्त, गुड बाय, अलविदा। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं।